एजेंटी माइनिंग में जो मोस्ट टॉप वर्ल्ड वाइज कौन कौन से ऐसे हॉटस्पॉट है जो अभी करंटली ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो सबसे जो फर्स्ट है वो स्पॉट है, वो है हमारे बैंकॉक में। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिया थाई, इसका कुछ ऐसा नाम है। उसका जो अर्निंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 30 दिन में इसने यहाँ पे $138 जो है वो अर्निंग किए। 24 आवर्स में इसमें 6.89 डॉलर अर्न किए हैं, और 7 दिन में यहाँ पे इसने 59.06 HNT अर्न किए हैं। तो बहुत ही अच्छा अर्निंग सोर्स है। और इसका जो यहाँ पे आप विटनेस प्रोफाइल देखो तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने इसके विटनेस है। सारे विटनेस की लिस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे। पर आधे घंटे में इसका एक विटनेस बन रहा है, माइनिंग रिवॉर्ड आ रहा है, विटनेस भी कम बन रहा है। 1 आवर विटनेस विटनेस। इसका जो हाइट है वो 70 मीटर है, और इसका जो डिवाइस है वो सेंसकेप का है, और ये 8 dBi का इसने एंटीना लगाया हुआ है। और ये एक तो ये है हॉटस्पॉट जिसका अर्निंग है मैक्सिमम, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके स्टेटिस्टिक में यहाँ पे आपको दिखाई देगा पूरा इसका अर्निंग। और दूसरा अगर हॉटस्पॉट हम देखें ये क्या है, यहाँ बैंकॉक में आप कोई भी सिलेक्ट कर लो, उसकी जो हाइट होती है बहुत ही अच्छी होती है। इसका अर्निंग बहुत कम है, 6 मीटर का है इसका, 2.6 dBi का ये एंटीना लगाया हुआ है, 12 है, बहुत ही कम है। दूसरा यहाँ पे अपने इंडिया में देखते हैं कौन सा मैक्सिमम जो अर्निंग करने वाला डिवाइस है वो। यहाँ पे जो मैक्सिमम जिसकी अर्निंग हो रही है वो सेंट्रल में, अगर आपका डिवाइस है हॉटस्पॉट लगा हुआ है तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। यहाँ पे इसने कमाया है 24 आवर्स में $0.27, इसके विटनेस 2 है। तो स्कोप तो है, लेकिन आपके अराउंड जो हॉटस्पॉट लगे हुए होने चाहिए उसके हिसाब से आपका आपका अर्निंग होगा। ये 0.89 यहाँ पे सेंटर में है, ये इसका देखो 0.2 HNT है। बहुत सी जगह पे बहुत लो अर्निंग है, कहीं पे डिवाइस ऑफलाइन है। सो यहाँ हमारे इंडिया में तो ये अभी चल रहा है कंडीशन के डिवाइस जो होते हैं वो ले तो लेते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ ऑफलाइन ही होते हैं। इसका देखो अभी बहुत ही अच्छा अर्निंग है क्योंकि ये सेंटर में पड़ रहा है पूरा, और इसका हाइट है 10 मीटर, 3 dBi का इसका एंटीना है, क्लाउड PY का इसका डिवाइस है, बाल वर्मिलन पी नाम है इसका। अब ये जो अपने अभी हमने देखा वो ये अपने बैंकॉक का था, ये हमारे इंडिया का है, और इसमें भी ये अहमदाबाद का है। आप देख सकते हैं 24 आवर्स में इसका जो इनकम हुआ है वो 8.46, 7 डे में इसका जो इनकम हुआ है वो $34 है, और 14 दिन में इसका 65, और 30 दिन में जो इसका 122 है। अगर आप यहाँ पे आप देखोगे इसका जो अर्निंग है वो 7.43 है, और यहाँ पे हमारे इंडिया में ही अगर आप देखोगे लास्ट 24 आवर्स का तो इसका 8.46 है। ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हॉटस्पॉट इस तरह से होने चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, इतने ऐसा ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन आपके डिवाइस का लोकेशन कौन सा है, आप सेंटर में लोकेट हो, आपके अराउंड ऐसे डिवाइस होने चाहिए, आपके मैक्सिमम विटनेसेस होने चाहिए यहाँ पे, आपको अवार्ड माइनिंग रिवॉर्ड मिलने चाहिए, तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपको कैसा लग रहा है वो ज़रूर कमेंट करके आप बताइए कि आपको भी मेरे जो मेरा जो थॉट प्रोसेस है कि भाई ज़्यादा आपको ऐसे आपके अराउंड ज़्यादा हॉटस्पॉट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके डिवाइस का लोकेशन कहाँ पे, इसके इस डिवाइस का लोकेशन आप देखो एग्जैक्ट सेंटर में है, तो इसके अराउंड जितने भी हॉटस्पॉट है उसको सबको इसने कवर किया है। और इसने हाइट पे भी बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मीटर ही हाइट है, यानी कि 30 फुट की हाइट पे इसने लगाया, 30 में 35 फुट की हाइट पे इसका डिवाइस है, और इसका एंटीना भी 3 dBi का भी है। जबकि अगर आप यहाँ पे इसका एंटीना आप देखोगे तो इसकी हाइट देखोगे 70 मीटर है,
और इसका 8 dBA का एंटीना है, तब जाके इसका अर्निंग $7.43 हो रहा है। और वही अगर आप यहाँ पे लाइव पे लोकेशन में देखोगे हमारे इंडिया में अहमदाबाद में, तो यहाँ पे ये $8.47 अब तक इसके आ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई एंटीना की अगर आपको ज़रूरत है, या तो फिर आपके अराउंड ढेर सारे ऐसे सराउंडिंग पूरे हॉटस्पॉट होने ही चाहिए, आपका डिवाइस उस तरह की उस पोजीशन में होना चाहिए एक्सेट सेंटर में, और ना तो बहुत ही ज़्यादा हाइट होनी चाहिए ना तो बहुत ही कम हाइट होनी चाहिए, तो आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड माइनिंग रिवॉर्ड है। आप मैक्सिमम विटनेस को आप बना सकते हैं। इसकी देखो अभी ये विटनेस का यहाँ पे एक्टिविटी आएगी, ये 2 आवर्स में इसका भी इसको एक रिवॉर्ड मिला है 0.038, ठीक है, यहाँ पे आप दिखाई देगा आपको। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे डिवाइस होने चाहिए आप तभी आपको ज़्यादा मैक्सिमम इनकम होगी, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ ज़रूरी है। जैसे हमारे अभी आप लाइव इंडिया लोकेशन में आप यहाँ पे अहमदाबाद में देख रहे हो, इस बंदे का डिवाइस जो है एक्सेट सेंटर में है, ना तो बहुत ही ज़्यादा हाइट है ना तो ये हाइट कम है, फिर भी इसकी अर्निंग है वो मैक्सिमम हो रही है। सो ये है मोस्ट ऑफ, मैंने जो अब तक इसमें रिसर्च किया है उसमें मुझे इतना मालूम हुआ है कि आपके अराउंड बहुत सारे डिवाइस ना हो तो भी चलेगा, लेकिन थोड़े बहुत जो आपका सेंटर पॉइंट के आजूबाजू आपके 20 से 30 डिवाइस होने चाहिए। जैसे भी आप अहमदाबाद में यहाँ पे देखोगे तो टोटल अहमदाबाद में अभी 52 डिवाइस है मेरे साथ, 52 डिवाइस है, उसमें से अभी जो ऑनलाइन है वो 41 है, ठीक है, इतने डिवाइस है, फिर भी इस बंदे की जो इनकम है वो आप देख सकते हो। कहा गया इसका हॉटस्पॉट ये था, ये वाला था, ये स्क्रीन कम आप देखो कौन सा था, गायब हो गया, अभी भी तो था यहाँ पे, ये वाला था, ये वाला हॉटस्पॉट है, ठीक है, इसकी देखो आप इनकम, और ये इस बंदे की भी आप देखो, अगर आपको लगे इसकी देखो, अब इसका भी देखो, इसका अगर आप देखो कि यहाँ पे 14 मीटर का इसका हाइट है, 3 dBA का इसका एंटीना है, क्लाउड PI का इसका डिवाइस है, इसकी भी 24 आवर्स में इसकी इनकम देखो आप। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे पूरा ठोक के लगा जाए पूरा, लेकिन अराउंड आपका एक प्रोपोर्शनल ऐसे एक हेराची में आपके पोजीशन जो है आपके अराउंड वो चीज़ें होनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पे अगर एक डिवाइस रख देते हैं और इसके अराउंड यहाँ पे 3-4 डिवाइस हो जाते हैं तो ये भी इसी तरह यहाँ पे रखने वाला सेंटर में आ जाएगा और सब जगह पे इसको कवरेज मिलेगा, मेनली इसको कवरेज मिलना ज़रूरी है। सो अगर आपको ये मेरे जो थॉट है इसकी, जो ये हीलियम और HNT के रिलेटेड जो सब कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे डिवाइस लगी हुई होनी चाहिए आपके अराउंड तभी आपको कुछ इनकम हो सकती है, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे इसके रिलेटेड, तो HNT इन सेंस के अपना कैसे इसका माइनिंग होता है कैसे इसको हम, तो मैंने सबसे यही बात यही सबको कहते सुना है कि आपके अराउंड ऐसे बहुत सारे पॉलीगॉन्स होने चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है। अभी आप बैंकॉक का एक हॉटस्पॉट यहाँ पे जो इन्होंने शेयर किया है BGCFI टेक्नोलॉजी ने जो शेयर किया है आज अभी, उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे बताया है कि भाई आफ्टर लुकिंग एट बैंकॉक HNT मैप आई फील वाई इंडिया इज बिहाइंड, इंडिया बिहाइंड नहीं है लेकिन इंडिया बहुत स्मार्ट है, पहले देखेगा उसके बाद ही परचेस करेगा। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अर्निंग सोर्स है, आप भी हो सके तो डिवाइस जल्दी से जल्दी परचेस कर लीजिए क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है और जितने डिवाइस ज़्यादा होंगे उतनी ही अर्निंग आपकी ज़्यादा हो सकती है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एवरेज एक जो रेवेन्यू है वो आप जनरेट कर सकते हो डेली $3 to $5 आप इसमें, अगर आपका पोजिशन सही है आपके अराउंड 10 से 12 डिवाइस लगे हुए हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप डेली $3 to $5 तो आप मान के चलो आपको मिलेंगे हर रोज, मेरा ऐसा मानना है। और यहाँ पे भी ये एरर देखो, इसके हॉटस्पॉट इज रीलियड, अभी ये इसका जो हॉटस्पॉट है ना वो रीलियड है, इसने अभी यहाँ पे इसको फिक्स नहीं किया है। अगर ये स्टेटिक IP जो है वो परचेस स्टेटिक IP एक लेके और इसको जो पोर्ट फॉरवर्डिंग है उसका ये इसके डिवाइस का
वो अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दे तो ये एरर चली जाएगी और इसकी अर्निंग जो अभी $6 बता रही है वो मेरे ख्याल से $8 से ऊपर हो जाएगी। और इसकी भी यहाँ पे देखो अभी इसका रीलीड नहीं है शायद, यहाँ पे इसकी अर्निंग आप अगर देखेंगे तो इसका भी $9 तक पहुँचने आया है, ठीक है। लेकिन इसका अभी इसका आपने जैसे बताया ना मैंने कि रीलीड नहीं है तो इसलिए इसकी इनकम ज़्यादा है। अगर इस बंदे ने भी इसका ये एरर जो आ रहा है वो अगर वो सॉल्व कर देगा तो मेरे हिसाब से इसकी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी इससे भी, क्योंकि इसका जो एंटीना है इसकी जो ये मीटर है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, 14 मीटर है और इसका अभी 10 मीटर ही है, ठीक है। तो अगर ये आप देखिए ऐसे तो बहुत सारे हॉट स्पॉट है जिसकी डेली इनकम 8 से 9 है। मैंने सिर्फ आपको ये बताना था क्योंकि इन्होंने एक ट्वीट किया था, तो ट्वीट के ऐसा नहीं है कि भाई बैंकॉक में ही लोग अर्निंग कर रहे हैं या तो फिर US में ही कर रहे हैं या तो फिर दुबई में ही कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा जो इनका ट्वीट है ना वो दुबई का भी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे BGCPI में ट्वीट में आप जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक बताया है कि जो है ये बैंकॉक का है और ये दूसरा ये दुबई का है और ये भी रिलीड है और इनकी इनकम 3.39 है। तो दुबई इज मोर फिलिपी, तो देखो यहाँ पे ब्लॉक देखो आप, फिर भी इनकी जो इनकम है वो इतनी है जैसे हमारे इंडिया अहमदाबाद में हो रही है। ऐसा सब जगह पे मैंने देखा, ऐसा नहीं, ऐसा बेंगलोर में भी मैंने कई बार देखा है, ऐसा सूरत में भी देखा है, ऐसा मैंने मुंबई में भी देखा है, जिसका डिवाइस एग्जैक्ट यहाँ पे सेंटर में रहता है और उसके अराउंड अगर यहाँ पे डिवाइस ऐसे लगे हुए हैं तो आपकी इनकम ज़रूर होगी, आप इसमें से ज़रूर अभी ऑफलाइन है देखो। और इंडिया में ये क्या है पता नहीं है मेरे को, मैंने जितने भी डिवाइस देखे वो मोस्ट ऑफ ऑफलाइन हो जाते हैं, 1-2 महीना चलाते फिर ऑफलाइन ऑफलाइन, अभी इसका कोई वीकनेस नहीं है। आपका डिवाइस के अराउंड आपका सेंटर में आजू बाजू थोड़े डिवाइस होने चाहिए तभी ये देखो ऑफलाइन, पता नहीं क्या है, डिवाइस ला के रख देते हैं फिर ऑफलाइन कर देते हैं, घूमने चले जाते हैं कहाँ चले जाते पता नहीं, ठीक है। चलो ऐसे दूसरे भी वीडियो मेरे आते रहेंगे HNT माइनिंग पे, क्योंकि मैं भी डिवाइस जो है वो लगाने की सोच रहा हूँ। तो आप भी बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं सयानंदी करके आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहूँगा।